राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के हज़ारों और लाखों किसानों को आज मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है देखिए पूरे राजस्थान और पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा जो होता है वो राजस्थान में होता है और राजस्थान में भी बाड़मेर के अंदर बाजरा होता है अब इसी बाजरे को लेकर अनुसंधान किया जाएगा रिसर्च किया जाएगा क्या क्या इस बाजरे से आइटम बन सकते हैं और इसी को लेकर आज महामहिम उपराष्ट्रपति ने बाड़मेर जिले के गुड़ावालानी में अनुसंधान बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया है साढ़े आठ करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इसी दौरान भाषण के दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति ने सीधे तौर पर यह कहा कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की जमकर तारीफ की और किस तरीके से कहा कि कैलाश चौधरी के अथक प्रयासों से ये अनुसंधान केंद्र जो कि ऐसा बताया जाता है देश के अंदर बाजरे के लिए स्पेशली पहला अनुसंधान केंद्र होगा जहां पर बाजरे पर रिसर्च होगा ये कैलाश चौधरी के अथक प्रयास है और कैलाश चौधरी की जमकर तारीफ की और बताया कि किस तरीके से कैलाश चौधरी का की जो सोच है दूरगामी सोच है किसानों के लिए और इसी के साथ में जो महामहिम उपराष्ट्रपति है उन्होंने जो कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी जो कि वर्तमान में राजस्थान की सरकार के अंदर है वो उनके साथ में मंच शेयर कर रहे थे और आप तस्वीरों में देखिए बहुत बार कम से कम दस से ज़्यादा मिनट तक दोनों के बीच में दोनों के बीच में बार बार बातचीत हो रही थी दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे क्या बातचीत कर रहे थे ये मुझे नहीं पता लेकिन बार बार हर पाँच मिनट के अंदर बातचीत की जा रही थी दोनों गुप्तगू कर रहे थे और यही लोगों को लोग देख रहे थे कि कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कहा तो ये जा रहा है कि हो सकता है कि हेमा चौधरी ने महामहिम उपराष्ट्रपति के हालचाल पूछे और दोनों ने एक दूसरे को लेकर दोनों ने और जिस तरीके से महामहिम उपराष्ट्रपति जब स्टेज पर आए भाषण रहने लगे तो आ, हेमाराम चौधरी की भी जमकर तारीफ की कि कि बताया किस तरीके से उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है वो तमाम तरीके से एक अपने आप में एक आइडियल है जमकर तारीफ की और हेमाराम चौधरी की तारीफ की कैलाश चौधरी की तारीफ की और उससे पहले आप देखिए बड़ी टाइट सिक्योरिटी होती है महामहिम उपराष्ट्रपति के लिए और ऐसा बताया जाता है सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे दर्जनों थानेदार थे और कई जो आरपीएस थे वो थे और जगह जगह चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी टाइट थी और हर किसी की चेकिंग की जा रही थी और इस तरीके से आप देखिए ये जो काफिले की तस्वीरें हैं जिस काफिले के अंदर आते हैं और उसके बाद में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी है उनके पिताजी मेन जो उनकी अगुवाई करते हैं और इसी दौरान वो उनका अभिवादन करते हैं और उसके बाद में एक एक करके बात की जो बीजेपी के नेता थे उनसे मुलाकात करते हैं कुछ किसानों से भी मुलाकात की और उसके बाद में मंच पर आ जाते हैं और वहां पर मंच पर आप देखिए जैसे ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का भाषण शुरू होता है तो जो म्यूजिक सिस्टम है वो बार बार परेशान करता है और इसी बात से कैलाश चौधरी है वो खफा हो जाते हैं उसके बाद में जो महामहिम उपराष्ट्रपति के लिए जो मंच बना हुआ था अलग से भाषण देने के लिए बने हुए जो माइक लगे हुए थे वहां पर कैलाश चौधरी भाषण देते हैं कुल मिलाकर आप देखिए ये राजस्थान के अंदर महामहिम उपराष्ट्रपति ने सीधे तौर पर दो तीन चीजों पर बहुत गौर कर कर बताया है कि किस तरीके से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अंदर नाम पूरा रोशन किया है और खास तौर से इस सरकार के नौ सालों में किसानों ने जो पूरे देश के अंदर प्रगति की है